हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। तो स्टूडेंट, अज की इस वीडियो के असी नवा टॉपिक डिस्कस कर जा रहे हैं, जो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका नाम है जी स्कॉट कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। अक्सर एग्जाम के इस संबंध में कनेक्शन जो क्वेश्चन है इस संबंध में जरूर पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी इस संबंध में क्वेश्चन आया सी, पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थानू उस दे बारे पता भी होना चाहिए। तो अज की इस वीडियो में ये पॉइंट असं डिस्कस करांगे। तो वीडियो शुरू करने तो पहले अगर तुम इस चैनल पर नवे हो, अभी तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सबसक्राइब करो, तो इस बैल आइकन प्रेस करो ताकि जो भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होएगी उसका जो नोटिफिकेशन है थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। तो इस शुरू करते हैं जी स्कॉट कनेक्शन। इसका जो दूसरा नाम है इन असी टी कनैक्शन भी कहने जी, उल्टा टी बनाया इन असी कहने टी कनैक्शन। ठीक है जी, ये अगे थानू जो असी बनावे तो क्लीयर हो जाएगी चीज़। इन असी टी कनैक्शन भी कहने, इस टी दिस वांग कनैक्शन बनता है। इस सब तो पहला जो पॉइंट साढ़े को निकल के आता है कि यह जो ट्रांसफार्मर है, जिहड़े साडे को स्कॉट कनैक्शन है, ये सानूं करन दी जरूरत क्यों पैंदी है। ये सानूं करन दी जरूरत पैंदी है जी जदों साडे कोल थ्री फेस सप्लाई है, तो थ्री फेस सप्लाई नूं असीं चेंज करते हैं टू फेस सप्लाई। किहदी हैल्प दे नाल करते हैं? स्कॉट कनैक्शन। स्कॉट कनैक्शन, स्कॉट कनैक्शन की मदद के नाल असी जी साढ़े को थ्री फेज सप्लाई होंगी है, थ्री फेज सप्लाई नूं असी दो फेज सप्लाई दे विच कन्वर्ट करते हैं। जिमें कि तुसी ये डायग्राम दे विच भी देख रहे हो, यदि डायग्राम असी बाद डिस्कस करते हैं, पहले इस संबंधित जोड़े मेन मेन पॉइंट है पहला वो डिस्कस कर लें। सब तो पहला पॉइंट कि यह थ्री फेज सप्लाई नूं कन्वर्ट करता है जा बदलता है दो फेस सप्लाई दे विच। दूसरा, इनू जरूरत क्यों पैंदी है सानू? इस दी जरूरत पैंदी है कि वेल्डिंग दे लई ए कनैक्शन जिहड़े है यूज किए जाते हैं जो असी वेल्डिंग करनी होंदी है, जां असी इनू यूज करते हैं इलैक्ट्रिक फरनेस, इलैक्ट्रिक फरनेस जिन्हों असी कह देने हैं कि बिजली दियां जिथे भट्ठियां चलानियां होंदियां हैं उत्थे असी इसकी जिहड़ी है वरतों करते हैं, इसकी जिहड़ी वरतों है वह करते हैं वेल्डिंग दे लई ते इलैक्ट्रिक फरनेस यानी कि बिजली दियां भट्ठियां दे लई सानूं टू फेज सप्लाई चाहिदी होंदी है। लेकिन जिहड़ी सानूं सप्लाई अवेलेबल होंदी है वह होंदी है साडे कोल तीन फेज की, तो असी तीन फेज नूं दो फेज दे विच कन्वर्ट कर लैंदे हैं। और वह किस तरह करते हैं? वह करते हैं स्कॉट कनैक्शन दे नाल। उस तो बाद स्कॉट कनैक्शन करन दे लई साढ़े कोल किस चीज़ की जरूरत होंदी है? स्कॉट कनैक्शन करन दे लई सानू जरूरत पैंदी है जी दो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर दी, दो सानू सिंगल फेस ट्रांसफार्मर चाहिए, मतलब कि दो ट्रांसफार्मर सानू चाहिए है सिंगल फेस दे, दो ट्रांसफार्मर सानू सिंगल फेस दे चाहिए है जिस दे नाल असी इस जिहड़े कनैक्शन है वो कर सकते हैं। हुण तुसी इस दे देखो कि एक ट्रांसफार्मर साढ़े कोल ए है, डायग्राम ते आंदे हैं, एक ट्रांसफार्मर साढ़े कोल ए है और एक ट्रांसफार्मर साढ़े कोल ए है, दो ट्रांसफार्मर हो गए सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। उस तो बाद है कि जेड़ा
पहला ट्रांसफार्मर है, मान लो इन असं पहला ट्रांसफार्मर कह लेना, इस ट्रांसफार्मर की जी प्रायमरी वाइंडिंग है इससे जी टेपिंग है वह 50% ली गई है, तो जिसकी टेपिंग 50% ली गई है इनू मेन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, इनू कहा जाता है मेन ट्रांसफार्मर, इनू कहा जाता है मेन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और जिस ट्रांसफार्मर की रेशो असी लैने 86.6%, इनू असी कह दें टीजर ट्रांसफार्मर, की कह दें टीजर ट्रांसफार्मर, इनू असी कह दें टीजर ट्रांसफार्मर। इस दे विच की है कि जिहड़ा मेन ट्रांसफार्मर है उसकी टेपिंग लैनी है 50%, और जिहड़ा टीजर ट्रांसफार्मर है उसकी जिहड़ी टैपिंग लैनी है असी 86.6% ते लैनी है, उसकी जिन्नी भी रेटिंग वोल्टेज है उसका 66.6% ते जिहड़ी है उसकी जिहड़ी रेटिंग असी लैनी है। तो इनू जिहड़ा कनैक्शन करना है, यह देखो यह प्रायमरी मेन ट्रांसफार्मर है वाला, तो मेन ट्रांसफार्मर की 50% टेपिंग आ गई, यह जी टेपिंग है यह कि टी दे नाल टी दी शेप की तरह ज्वाइन किया गया है, यह देखो इस तरह, यह साढ़े को मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ये साढ़े को आ गया टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, इनू असी इस तरह ज्वाइन करते हैं, तो इसलिए इनू कह दें टी कनैक्शन, क्योंकि इस पर टी बंद है तो टी कनैक्शन कह दें। और इस तो बाद जी जी सेकेंडरी वाइंडिंग आ गई मेन ट्रांसफार्मर की, इतों सूँ जी है टू फेज सप्लाई जी है अवेलेबल होंगी है, सू टू फेज सप्लाई मिल जाती है। दूसरी साइड जोड़ा साढ़े को टीजर ट्रांसफार्मर है, टीजर ट्रांसफार्मर की जी सेकेंडरी वाइंडिंग है उत्थे सानू दो फेस यानी कि टू फेस सप्लाई जी है मिल जाती है, और इस ट्रांसफार्मर की यह जी टेपिंग है इतने असी थ्री फेस सप्लाई दें, जिससे साढ़े को फेस होंगे रैड जैलो तो ब्लू, तीन फेस जी सप्लाई असी दे दें। बस ये एग्जाम के पूछा जाता है कि जोड़ा मेन ट्रांसफार्मर है उसकी जी टेपिंग है प्रायमरी वाइंडिंग तो ली जाती है या सेकेंडरी तो ली जाती है, तो क्वेश्चन थोड़े सामने क्लीयर है, ए इसकी प्रायमरी वाइंडिंग है, ए इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो 50% टेपिंग जी है प्रायमरी वाइंडिंग तो ली जाती है। टीजर ट्रांसफार्मर की जी वाइंडिंग है वह किन्ने परसेंट ली जाती है, यह पूछा जाता है किन्ने परसेंट ली जाती है जी वाइंडिंग से ली जाती है, तो यह भी तुम्हें क्लीयर है कि यह प्रायमरी वाइंडिंग से ली जाती है। तो इस तरह जी असी जड़ा क्वेश्चन है कंप्लीट कर सकते हैं। अगर तुम्हें कोई पॉइंट ना क्लीयर हो तो वीडियो के कमेंट सैक्शन कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करा कि थोड़ा जो डाउट्स है वो दूर किया जाए। बहुत ही सिंपल कनैक्शन है, कोई एड्डी वड्डी गल नहीं है, और इस संबंध में एक दो क्वेश्चन भी जोड़े एग्जाम के पूछे जाते हैं वो भी असी डिस्कस करा, और इस जो मेन पॉइंट है तुम ये भी नोट कर लो ताकि ये भी आम एग्जाम के पूछे जाता है कि जी मेन ट्रांसफार्मर होंदा साढ़े कोल, मेन ट्रांसफार्मर होंदा है इहदी जिहड़ी वाइंडिंग है, इहदी जिहड़ी वाइंडिंग दी जिहड़ी टेपिंग है वह ली जाती है प्रायमरी वाइंडिंग तो, यह याद रखना प्रायमरी वाइंडिंग तो, और किन्नी परसेंट ते लैंदे आ टेपिंग इहदी 50%। दूसरा साढ़े को आ जाता है टीजर ट्रांसफार्मर, टीजर ट्रांसफार्मर असी उन्हूं कहने आ जिहदी जिहड़ी रेटिंग है असी लैने 80 यानी कि उदी ते ट्रांसफार्मर जी टैपिंग है वह लैनी है 86.6% दे, उन्हों असी कह देने टीजर ट्रांसफार्मर, तो उदी जी रेटिंग है, रेटिंग यानी कि उदी रेटेड वोल्टेज की किन्नी रेशो लैने 86.6%। इस केस दे विच उसकी जिन्नी भी रेटिंग वोल्टेज होएगी उस दे विच 50% विच असी टैपिंग लैने, तो इस दे विच टी शेप दी बनदा है, टी शेप बनती है, इस करके इनू टी कनैक्शन भी किया जाता है। तो इस नाल ही इस संबंध में कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो असी डिस्कस कर लें, तो ये तुसी स्क्रीन पर देख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है कि जिस दे विच है कि ओनली स्कॉट कनैक्शन इज यूज फॉर, स्कॉट कनैक्शन जिहड़ा किस वास्ते यूज करते हैं। ऑप्शन इस दी पहली है कि कन्वर्टिंग थ्री फेज सप्लाई टू टू फेज सप्लाई, कन्वर्टिंग थ्री फेज तो सिंगल फेज सप्लाई, या कन्वर्टिंग सिंगल फेज तो टू फेज कन्वर्जन। तो देखो
इस विच सब तो जो पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है इसका कन्वर्टिंग थ्री फेज सप्लाई तो टू फेज सप्लाई। पहला ही असी पॉइंट डिस्कस किया है कि जो स्कॉट कनैक्शन है वह असी यूज करते हैं थ्री फेज सप्लाई नू कन्वर्ट करते हैं असी टू फेज दे विच। ते पहला जिहड़ा ऑप्शन है वह राइट आंसर है। सैकेंड ऑप्शन उत्ते कन्वर्टिंग थ्री फेज सप्लाई टू सिंगल फेज सप्लाई ये असी डिस्कस नहीं किया। कन्वर्टिंग सिंगल फेज तो टू फेज कन्वर्जन ये भी नहीं है। पहला ऑप्शन राइट आना है कि थ्री फेज तो टू फेज दे विच असी कन्वर्ट करते हैं। उस कारण इसका जिहड़ा ऑप्शन है ऑप्शन फस्ट जिहड़ा वह इसका राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देख सकते हो तुसीं कि स्कॉट कनैक्शन दे स्कॉट कनैक्शन दे विच जिहड़ी वोल्टेज है अक्रॉस द टीजर लीड बाई द मेन लीड। तो असी गल कीती कि एक साडे कोल मेन ट्रांसफार्मर हुंदा है और मेन ट्रांसफार्मर जिहड़ी प्राइमरी वाइंडिंग तो असी लैने हैं 50% दे टेपिंग लैने हैं। देखो दो टर्न इधर हो गई हैं दो टर्न हो गई थी 50% टर्न रेशो आ गई और इत्थे जिहड़ा असी ट्रांसफार्मर लगाने हैं और इत्थे जिहड़ा असी टीजर ट्रांसफार्मर लगाने हैं। ये मेन ट्रांसफार्मर हो गया है टीजर ट्रांसफार्मर हो गया। तो असी कह रहे हैं कि इस दे विच जिहड़ा एंगल किन्नी डिग्री का बनता है। तो इस देखो एंगल है टी शेप बनेगा तो एंगल कितना बन जाना जी 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी जिहड़ा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा 90 डिग्री का जिहड़ा कोण है बनेगा कि स्कॉट कनैक्शन दे विच वोल्टेज ते टीजर अक्रॉस जिहड़ा एंगल है वह किन्नी डिग्री का बनता है। तो देखो ये साढ़े कोल मेन ट्रांसफार्मर है तो ये साढ़े कोल टीजर ट्रांसफार्मर है तो यदा जोड़ा एंगल है वह कि जाएगा 90 डिग्री। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिस कि स्कॉट कनैक्शन के जोड़ा मेन ट्रांसफार्मर हैज सेंटर टेप। उस जी सेंटर तो टेप ले 50% का मतलब है कि जिनी भी टर्न रेशो है 50% लेना ठीक है। तो जोड़ा मेन ट्रांसफार्मर तो सेंटर टेप लिया जाता है किद लिया जाता है प्राइमरी वाइंडिंग से लिया जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग दे लिया जाता है या बोथ प्राइमरी या सेकेंडरी या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर की होएगा असी पहले डिस्कस कर चुके हैं ये केड़ी वाइंडिंग होएगा जी प्राइमरी वाइंडिंग दे होएगा प्राइमरी वाइंडिंग जी 50% जी असी टैप लैने वो लैने प्राइमरी वाइंडिंग। उस तो बाद इसका नैक्सट क्वेश्चन है जिस कि स्कॉट कनैक्शन दे विच जिहड़ा टीजर ट्रांसफार्मर है वह ऑपरेट करता है 0.8866 यानी कि इनू असी परसेंट विच करांगे तो आ जाएगा 86.6% ऑपरेट करते हैं असी रेटेड करंट दी हुंदी है रेशियो है या रेटेड वोल्टेज हुंदी है। तुसीं याद रखना ये जिहड़ी वोल्टेज हुंदी है रेटेड वोल्टेज हुंदी है ये रेटेड वोल्टेज दे हुंदी है 86 पॉइंट यानी कि मान लो साढ़े को एक ट्रांसफार्मर है ये आ गया ये टर्न अगर असी कैलकुलेट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 86.6 कितने आएगा यानी कि 9 दे आसपास ये जी थोड़े को इतने असी जो पॉइंट लवेंगे ये जो पॉइंट होएगा साढ़े को 86.6% ये जड़ा पॉइंट 86.6% ते होएगा एनु असी कह दें टैपिंग और ये जड़ा किससे लंदा जांदा ये फर्क पाता जी रेटेड वोल्टेज जिनी भी इसकी रेटेड वोल्टेज है वह 86.6% ते असी जी टैपिंग लैने इतने असी यूज करने तो इस करके इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा रेटेड वोल्टेज। ऑप्शन बी जड़ा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।